हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डेमोंस्ट्रेट प्रॉब्लम अराइजिंग विद यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स अगर आप ले रहे हो या फिर कोई आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें जो मेजोरिटी में प्रॉब्लम्स आती है वो क्या क्या होती हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो पूरी चीज़ें आपको विद कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो एंटीबायोटिक के साथ या फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट के साथ प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं। तो मोस्टली 6 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल के साथ प्रॉब्लम कॉज करती हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस विद वन बाई वन। तो पहली क्या हमारी प्रॉब्लम है, टॉक्सिसिटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, ड्रग रेजिस्टेंस है, सुपर इन्फेक्शन है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड मास्किंग ऑफ एन इन्फेक्शन। तो ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वन बाई वन टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी को अगर हम मतलब समझे तो कॉमन भाषा में बोल सकते हैं साइड इफेक्ट, जो हमें जरूरत नहीं है, जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, हम एंटीबायोटिक खा तो रहे हैं अपने अच्छे के लिए बट वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। तो मे बी एक्सेस डोज में हो सकता है वो, मे बी आप प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर अपना ट्रीटमेंट लागू करते हो जितना आपको रिकमेंड नहीं किया गया है तब भी आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो मेजर 2 टाइप की टॉक्सिसिटी है इसमें, कौन सी है, एक तो लोकल हो सकती है, एक हो सकती है आपको सिस्टमिक। तो लोकल में आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, स्किन पे ब्लिस्टर हो सकते हैं, रेडनेस ऑफ स्किन हो सकता है। बट इन केस ऑफ अगर सिस्टमिक इन्फेक्शन की बात करें, हम सिस्टमिक टॉक्सिसिटी की बात करें तो उसमें आता है आपका लाइक बोन मैरो डिप्रेशन लिखा हुआ है हमने टॉपिकल। अगर लोकल की बात करें तो गैस्ट्रिक इरिटेशन, अगर सिस्टमिक की बात करें तो उसमें आता है बोन मैरो डिप्रेशन। तो बोन मैरो डिप्रेशन आपका होता है मोस्टली जो आपकी क्लोरमफिनकोल सक्सिनेट है या फिर जो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है, तो बोन मैरो डिप्रेशन की प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर बोन मैरो डिप्रेशन हो गया तो आपका आरबीसी भी बनना कम हो जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम, उससे पेशेंट को जो पर्सन है उसको एनीमिया के चांस बढ़ जाते हैं, पेशेंट लीड्स टू एनीमिक। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकता है जो आप एंटीबायोटिक ले रहे हो यूवी रेडिएशन से एक्सपोज होने से आपके जो शरीर में है आपका एक्टिव मेटाबोलाइट किसी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का वो एक्टिवेट हो जाए। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है सबसे ज्यादा हमारा होता है पेंसिलिन एंड सिपोलिस्पोरिन के केस में, दिस वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगर्स मोस्टली इन केस ऑफ पेंसिलिन एंड सिपोलिस्पोरिन। ठीक है, अब तीसरा जो हमारे पास है ड्रग रेजिस्टेंस। तो ड्रग रेजिस्टेंस सबसे बड़ी, पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विद यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो ड्रग रेजिस्टेंस किसी भी एंटीबायोटिक के केस में हो सकता है, वो चाहे नैरो स्पेक्ट्रम हो या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। समटाइम ड्रग रेजिस्टेंस आल्सो अकर्स इन नेचुरल, ठीक है, बट जो हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है उसमें ड्रग रेजिस्टेंस के चांस ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे मेथड हैं अलग अलग हैं, जैसे आप एंटीबायोटिक ले रहे हो और जो हमारी उसमें पैथोजन है उसने इंगल्फ कर लिया पूरे एंटीबायोटिक को, तो जो हम किल करने के लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो उस बैक्टीरिया ने उस पूरे एंटीबायोटिक को अपने अंदर इंगल्फ कर लिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसे कई सारे मेथड हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे व्हाट इज मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, कि कोई एंटीबायोटिक है, कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट है तुम्हारा ड्रग रेजिस्टेंस कैसे कॉज कर सकती है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सुपर इन्फेक्शन या फिर सुपरा इन्फेक्शन। ठीक है, तो यू कैन से सुपर इन्फेक्शन और सुपरा इन्फेक्शन। तो सुपर इन्फेक्शन में क्या होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में गट फ्लोरा है, माइक्रोफ्लोरा है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जितनी भी हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो आपके इंटेस्टाइनल गट फ्लोरा को डिस्टर्ब कर देती हैं, जो हमारे हेल्थी बैक्टीरिया उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी लॉस हो जाती है, वीक पड़ जाती है। तो जो आने वाले बाहर से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम किल नहीं कर पाते। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी सुपर इन्फेक्शन कॉज करती है वो आपकी है टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफिनिकॉल। ठीक है, जो हमारी सबसे ज़्यादा सुपर इन्फेक्शन कॉज करती है वो आपकी है टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफिनिकॉल। वैसे तो आपकी एंटी माइक्रोबियल एजेंट में जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो सब सुपर इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, और जो मेजोरिटी में टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफिनिकॉल है। क्लियर, अब बात करेंगे हम न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंटीबायोटिक के साथ में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। तो मोस्टली जो आपकी बी कॉम्प्लेक्स की जो जितनी भी विटामिन्स हैं लाइक B1 हो गया, B2, B3, B6, B12, जितनी भी बी कॉम्प्लेक्स हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, उनमें प्रॉब्लम आती है बी कॉम्प्लेक्स केस में कि जो आपकी विटामिन है वो डिफिशियंसी हो जाती है। और एक और विटामिन है विटामिन के, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि जो विटामिन के है वो सेंथिस आपकी हो रही है इंटेस्टाइन में। तो अल्टीमेटली अगर ओरल से ले रहे हैं तो आपकी विटामिन डिफिशियंसी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और इन केस ऑफ नियोमाइसिन, दिस इज नियोमाइसिन के केस में आपकी विटामिन डिफिशियंसी केस ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर, इसलिए बोलते हैं कि विटामिन नियोमाइसिन अगर ले रहे हो आप लगातार तो ही और सी लीड्स टू मालएब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नियोमाइसिन के केस में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मालएब्जॉर्प्शन
सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मास्किंग ऑफ ऑफ एन इन्फेक्शन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत ही साइलेंट किलर है ये चीज़। मास्किंग ऑफ एन इन्फेक्शन का मतलब है, मान लो किसी पर्सन को सिफिलिस हो गया, तो सिफिलिस के केस में क्या होता है, जैसे हमने एग्जांपल दिया एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स एंड सिंगल डोज ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस के केस में क्या हुआ, आपने सिंगल डोज ले ली और सिफिलिस के सिम्टम कुछ दिन के लिए हाइड हो गए, बट जो पैथोजन है वो बैक्टीरिया अभी मरी नहीं है, जो भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे कॉज हो रहा है वो अभी डेथ नहीं हुआ है। क्या हुआ है, मास्क कर गया है, बट आपका इन्फेक्शन जो मास्क हो गया बट पूरी तरह से किल नहीं हुआ है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरी कौन सी है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के शॉर्ट जो कोर्स किया है, मतलब जितना दिन रिकमेंड किया है गवर्नमेंट ने उतने दिन के अलावा आपने कम शॉर्ट किया है, कोर्स को कम दिनों तक फॉलो किया है, तो आपका इन्फेक्शन सप्रेस हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, मास्क हो जाएगा, बट वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पूरी चीजें समझनी है कि अगर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट तो उसके साथ कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, थैंक्स फॉर विजिट, प्लीज टेक इट स्क्रीनशॉट।